डरने की वजह से दोस्तों हर कोई सक्सेस होता है, यस नो? डरने की वजह से दोस्तों पायलट बनता है, डरने की वजह से दोस्तों डॉक्टर बनता है, डरने की वजह से इंजीनियर बनता है, डरने की वजह से ही उग्रवादी भी बनता है, ऐसा है कि नहीं? विदाउट ट्रेनिंग दोस्तों टेररिस्ट नहीं बन सकता कोई, ऐसा है कि नहीं? ऐसे दोस्तों सेल्फ चीज वही है दोस्तों, इस बेसिस पे अगर आप डायमंड बनना चाहते हैं, क्योंकि दोस्तों हर कोई इस बेसिस में मतलब आगे फॉर्म भरता है, उसी दिन से वो डायमंड का सपना लगे चलता है, सुनो? अगर दोस्तों इस बेसिस में भी अगर आप आते हैं डायमंड बनना चाहते हैं तो दोस्तों ट्रेनिंग बार बार लगातार लेनी पड़ेगी, सही है? और दोस्तों ट्रेनिंग भी आगे सबसे पहले स्लाइड में हम चलते हैं, इसमें क्या लिखा है थोड़ा पढ़ के सुनाएंगे हमें। अनुशासन का व्यवसाय है और अनुशासन का बिजनेस है, सही है? तो सबसे पहले क्या लिखा है, कभी भी बिजनेस को गिर पकड़ कर प्रमोट ना करें। क्या ना करें? इसके क्या समझ में आया? इससे गिर के काम नहीं करना है, अजी गिर के काम नहीं करना है, सर के लिए जोड़ा था हमने। और क्या समझ में आया इससे? कभी भी बिजनेस को गिर पकड़ कर प्रमोट ना करें, इससे क्या समझ में आ रहा है थोड़ा बता दो मुझे। सर समरसता करके किसी को भी जय मत करो। अरे क्या बात, सर के लिए थोड़ा बोलोगे तो मजा आएगा। और जी देखो मैं बताना चाह रहा हूँ, कभी भी बिजनेस को गिर पकड़ कर प्रमोट ना करें। लोग बोलते हैं ना मतलब प्रमोट मतलब ऐसे इस बिजनेस को, इसमें नहीं, बहुत सारे लोग होते हैं ना मतलब कोई सारे बहुत सारे लोग इस बिजनेस में आते हैं, काम करते हैं, कोई दूसरी कंपनी आ जाती है, कोई बैंक बेचने कंपनी आ जाती है, कोई आटा बेचने वाली आती है, आती कि नहीं आती है? आती कि नहीं आती है? मोस्ट लोग होते हैं अपने माँ बाप को भी धोखा देते, तो देते कि नहीं देते? उनके साथ में जाके आपने रिक्वेस्ट नहीं करनी, क्या नहीं करनी है, सही है? बहुत सारे लोग बोलते हैं ना आते हैं मतलब उधर चला जाते हैं कि दूसरा आया, कोई सिम बेचने वाली कंपनी आई, कोई रिचार्ज करने वाली कंपनी आई, बहुत सारे उसके चक्कर में पड़े हुए रहते हैं। उनके पास में जाके भाई तू आजा तेरी वजह से मेरी बिजनेस चलेगा, उनके बाजू भी काम नहीं करता, हो जाएगा ऐसा? Yes. कर पाएंगे ऐसा? Yes. और इस बिजनेस के लिए बोलते ना अरे तू आप आओगे तो मेरा काम चलेगा, मेरे एक हजार चेक बनेगा, ऐसा कभी भी नहीं करना है, कर पाओगे आप लोग ऐसा? Yes. और दूसरा क्या लिखा है? मैं काम करूंगा और आप कमाएंगे, ऐसा कहना सरासर गलत है, सही बोल रहा हूँ? बहुत सारे लोग क्या बोलते अरे मैं काम करूंगा तो आपने अपलाइन को भी चेक आएगा, ऐसा होता है कि नहीं होता है? ऐसा नहीं होता, कुछ काम करने से इसमें चेक आएगा। और तीसरा क्या? झूठे वादे ना करें। एग्जांपल दो कुछ ऐसा, क्या होता है झूठे वादे? आपके दो मैं बना दूंगा। अरे क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस बिजनेस में बहुत सारे लोग आते हैं, एक डिडी के चक्कर में लोग बोलते हैं अरे तुम जो ही हो जाओ तुम्हारा मैं दो बना दूंगा, लेफ्ट और राइट मैं बना दूंगा, ऐसा कमिटमेंट कभी भी नहीं करना है, कर पाएंगे आप ऐसा? Yes. क्योंकि दोस्तों आप मुझे बताइए अगर लेफ्ट और राइट अगर आप मुझे एक साइड में सुषमा देवी को चिपका दो, एक साइड में जीवन चंद्र को चिपका दो, सारा मैं 600 की बात मत करो, मैं 1 करोड़ रुपया लगाने के लिए तैयार हूँ, कितनी? अगर इन ऐसा दो लोग चाहिए मुझे नीचे, सही है? तो हर कोई ज्वाइन करेगा, ऐसा है कि नहीं? लेकिन दोस्तों 6000 लगाने के बाद में दो ऐसा कमिटमेंट कभी भी नहीं करना है, मैं दो बना दूंगा, तुम चिंता मत करो, तुम घर पे बैठो, तुम्हारा फटाफट चेक आया था, ऐसा दोस्तों कुछ ऐसे चीजें काम नहीं करनी है, सही है? और नीचे क्या लिखा? कुछ जानकारी का छिपना आपको हानि पहुंचा सकता है, कोई भी अगर आपके अप्लाइंस से कोई भी जानकारी आता है, जानकारी मिलता है आपको, कोई भी इंफॉर्मेशन आपके पास में मिलता है, तो दोस्तों उसको तुरंत आपने क्या करना है, अपने टीम के साथ में तुरंत शेयर करनी है, रुकना नहीं आपके पास में, सही है? आपके पास में कोई व्हाट्सएप पे मैसेज आता है तुरंत, कुछ भी इंफॉर्मेशन आता है आपने तुरंत शेयर करने की कोशिश करनी है, सही है? और दूसरा किसी निर्णय को अपने इसका मतलब क्या हो गया? हाँ जी अपनी जिम्मेवारी किसी के दूसरे के ऊपर नहीं थोपनी है, क्या बात है, सही है? जोड़ा था सके लिए। सातों हो गया है, किसी की ज्वाइनिंग की फीस ना दे। हम लोग बहुत सारे लोग रेम करते हैं, करते कि नहीं करते? अरे ये तो गरीब है बेचारा, इसका फॉर्म का पैसे मैं ही भर देता हूँ, अरे इसका डीडी के पैसा
इतना बताना चाहता हूँ, कम से कम आज इस बिजनेस के माध्यम से सौ रुपए बैठा हुआ आप जितने भी आज 100 लोग होंगे, इस 100 लोग को दोस्तों मैं कम से कम 3 दिन तक, मैं आपको ज्यादा की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको इधर 3 दिन तक अपने खुद की पेमेंट में मैं होटल में रुकवा सकता हूँ। आज से सबके माध्यम से इतना मेरे पास में आज दम है, सही है, दम है। लेकिन बात को समझने में क्या बोलने वाला हूँ, लेकिन क्या है कि दोस्तों बहुत सारे लोग रेन करते हैं। अगर दोस्तों कोई डॉक्टर ने अपना अगर किसी पेशेंट को ऑपरेशन करते वक्त अगर रेम किया तो क्या उसका वो सही ऑपरेशन हो जाएगा क्या उसका? वो मर जाएगा बेचारा उधर ही, ऐसा है कि नहीं? अगर दोस्तों कोई टीचर ने अगर पढ़ाते वक्त अगर उसको रेम किया वो बच्चा क्या सही एजुकेशन मिलेगा क्या उसको? ऐसे दोस्तों इस बिजनेस में भी आपने और हमने आगे इस बिजनेस में दोस्तों हमने रेम नहीं करना है, किसी को रेम नहीं करना है। अगर आपने रेम करना है तो आपने फिल में करना है, क्या करना है? फिल में करना है। किसी का चेक नहीं बन रहा है उसके साथ लगना है आपने, किसी का दोस्तों फॉलोअप के लिए हर चीज के लिए इसमें करना है। लेकिन दोस्तों फी के चक्कर में कुछ पैसे अगर खुद ना, तो भगवान ऐसा किसी को ना करे। अगर दोस्तों किसी का पैर टूट जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, पैसा नहीं होता है, क्या पैर ठीक नहीं करता है क्या? लेकिन दोस्तों क्योंकि दोस्तों उस टाइम में तो कोई से ढूंढ के लेके आ सकता है, तो और इस बिजनेस में भी लाइफ बननी है तो ढूंढ के लेके आ सकता है कि नहीं आ सकता है? yes. रेम ना करें और दूसरी तरफ से सीधी सीधी बात करें, क्या करें? सीधी सीधी बात करें। इसका मतलब क्या होता है? डायरेक्टली बात करें। लोग जलेबी बनाना शुरू करते, जलेबी समझते ना, जितनी मीठी जलेबी होती जितनी टेढ़ी होती उतनी मीठी होती, ऐसा है कि नहीं? तो लेकिन उस टाइम के आमने से कोई काम नहीं है, इधर हमने सीधी सीधी बात करना है, डायरेक्ट टू इट। लोग क्या बोलते हैं ना, इधर बोलते हैं इधर जाके कान में बात करते हैं, इधर कोई कान में बात करने वाला बात काम करते हैं क्या हम? इधर सीधा फेस टू फेस किसी के, लोगों की एक आदत ही होती है कोई फोन आ जाता है तो बाहर जाके बात करना शुरू करते हैं, यानी कि भाई कुछ ना कुछ दाग में काला है, सही है? इस बिजनेस में दोस्तों क्या छुपाना है बताइए ना, क्या छुपाना है? दो आपसे जाता है भाई 700 का चेक बनता है, आपसे में आप अगर फुलसेल लेते हो तो 500 का चेक बनता है, फुलसेल का आप फुलसेल का मतलब आप पेयर बनता है 1400 मिलता है, फुलसेल का डबल सेल मिलता है, फुलसेल का फुलसेल बनता है 3500 बनता है, ऐसा है कि नहीं? टोटल आपका 4900 का चेक बनता है, इसी टाइप से दोस्तों डबल फुलसेल का अगर फुलसेल डालते हैं 7000 का चेक बनता है, ऐसा है कि नहीं? इसमें कोई छुपाने वाली बात है क्या? और तीसरा क्या लगा, अंतिम में क्या लगा हुआ है जी? इसका मतलब क्या होता है बताओ? आपने सिस्टम में यूज करो इसको, ज्यादा जरूरत ना दिखाए, इसका मतलब क्या हुआ बताओ? किसी को करना है तो उसको ज्यादा जरूरी है इसी को करना, मतलब ऐसे की दी क्या बात जरूरत आ रही सब सर, मतलब है ज्यादा जरूरत ना लगाए का मतलब ये कि बहुत सारे लोग बोलते हैं ना, मेरा तो सर आप लोग वीकलेग हो क्या? वीकलेग हो, आप काम करोगे तो मेरे को क्या होगा? चेक बनेगा, क्या बनेगा? चेक बनेगा। अब उसके साथ में जाकर ना एकदम बंदर की तरह एकदम था एकदम हैंडसम आदमी, लेकिन बंदर की तरह मुंह बना के बैठता है उधर, सही है? तो क्या चेक बनेगा क्या? अरे आप काम करोगे सर, आप काम करोगे, मेरा तो आप वीक लेग हो, कभी भी वीक लेग और पावर लेग के चक्कर में कभी इस बिजनेस में नहीं पड़ना है। आज तक मेरे को पता नहीं कौन सा वीक है कौन सा पावर है, मैं उस बात से मैं कभी मायने नहीं रखता हूँ, सही है? yes. ऐसा भी आपने करनी होगी, कर पाएंगे आप लोग? yes. उसके बाद में